व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है संजय और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एसेंशियल फ़ोन का। जी हाँ गाइज, ये है एसेंशियल फ़ोन और इसकी हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये फ़ोन डेवलप किया गया है एंड्रू रूबिन, जो कि डेवलपर हैं एंड्रॉयड के, जिन्होंने सबसे पहला एंड्रॉयड बनाया था। तो चलिए देखते हैं क्या हैं इसके स्पेशल फीचर्स और क्या चीज़ें इसकी यूनिक बनाती हैं। तो ये है गाइस एसेंशियल फ़ोन का बॉक्स। इस पर आपका फ़ोन की आउटलाइन मिल जाती है, जल्दी से मैं इसे ओपन करता हूँ। साथ में हमें यहाँ पर एक छोटा सा कार्ड मिल जाता है और वही एज यूजुअल एसेसरीज मिल जाती हैं। इस स्मार्टफोन में भी हेडफोन जैक नहीं है, तो आपको इसे यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करके यूज़ करना होगा। साथ में एक 1 मीटर डेटा केबल मिल जाती है और सिम कार्ड रिमूवल भी मिल जाता है। यह है कुछ नियरली स्क्वायर शेप में, जिसमें एक सर्कल बना हुआ है और इसके अंदर हमें यूजर मैनुअल भी मिल जाती है। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसे डेवलप किया गया है एंड्रू रूबिन ने, जो कि डेवलपर है एंड्रॉयड के। काफ़ी सिंपल लुकिंग स्मार्टफोन है ये। ऊपर से आपको यहाँ पर प्लेन ब्लैक मिल जाता है और पीछे हम देखें तो हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। चलिए मैं इसे स्मार्टफोन को ऑन करता हूँ। ऑन करते ही हमें यहाँ पर इसका लोगो दिख जाता है। तो ये है गाइस एसेंशियल फ़ोन। इसका अगर हमें एक नया फीचर तो देखने को मिलता है इसमें, जो कि इसका फ्रंट कैमरा, जो कि बिल्ट इन डिस्प्ले है। तो यह इसका पीछे से लुक, फिंगरप्रिंट इसका बिल्कुल बीच में ही है, तो इसे रीच करना बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए बात करते हैं इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की। तो हम शुरुआत करते हैं फ्रंट कैमरा से। इसमें अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में है। तो इसका लुक बहुत ही अच्छा मिलता है और इसका एक स्पेसिफिक फीचर भी इसका फ्रंट कैमरा ही है। ये ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना देता है और इसे अलग दूसरे स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग बना देता है। अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड पर अपडेट होता है, और अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 4GB ऑफ रैम प्लस 128GB ऑफ स्टोरेज, जो कि एक्सपेंडेबल नहीं है। यहाँ पर आपको 4 कलर्स मिल जाते हैं, चारों ही कलर्स बहुत ही अच्छे हैं। लुक वाइज फ़िलहाल मार्केट में 2 कलर्स अवेलेबल हैं और 2 कलर्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। इस स्मार्टफोन ने ड्रॉप टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। एक इसका और स्पेसिफिक फीचर है, वो है इसकी टाइटेनियम बॉडी। इस स्मार्टफोन की पूरी बॉडी टाइटेनियम की है, तो अगर ये गिर भी जाए तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। ओवरऑल अगर हम कोई सा वीडियो देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा इस स्मार्टफोन में। अगर हम बात करें बैक कैमरा की, तो यहाँ पर हमें 2 13 मेगापिक्सल के कैमराज मिल जाते हैं और साथ में फ्लैश भी मिल जाता है। तो यह है गाइस एसेंशियल फ़ोन। इसका एक और स्पेसिफिक फीचर है, वो है कि इस पूरे स्मार्टफोन में कहीं भी कोई लोगो नहीं है। ये कंप्लीट फ़ोन है और इसमें कहीं भी आपको कोई लोगो या नंबर जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। और हाँ, एक और इसमें स्पेसिफिक फ़ीचर है इसका 360 कैमरा। जैसे ही आप इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे, एक 360 कैमरे की तरह चेंज हो जाएगा और आप 360 वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट।